हाल ही में जारी हुए स्वच्छता सर्वेक्षण के आंकड़ों में दिल्ली के नगर निगम बुरी तरह से पिछड़ गई है। स्वच्छता सर्वेक्षण में एमसीडी की ऐसी गत क्यों हुई, इसका अंदाजा आप चंद्र विहार इलाके को देखकर लगा सकते हैं। एमसीडी की लापरवाही की वजह से बिहार में लोग गंदगी के बीच में रहने को मजबूर है। चंद्र विहार का नाम जितना सुंदर है, यहाँ की हालत उससे कहीं ज्यादा बदसूरत है। इलाके के हालात देखकर लगता है कि एमसीडी के पास सफाई कर्मचारियों का अभाव है। लेकिन बता दें कि क्षेत्र में एमसीडी के लगभग 150 कर्मचारी तैनात हैं। बावजूद इसके यहाँ की नालियों की सफाई नहीं की जाती। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह किसी मजाक से कम नहीं लगता कि जिस वार्ड में इतने सफाई कर्मचारी तैनात हो, वहाँ के इलाके की हालत ऐसी हो। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। साथ ही कर्मचारियों को अगर सफाई करने के लिए कहें तो वो पैसे मांगते हैं। जहाँ हम खड़े हैं, आप आसपास देख सकते हैं कि कितने ही खतरनाक हालात बने हुए हैं। ये जो सफाई का जो लेके इधर का मुद्दा है, जो हम सबसे ज़्यादा परेशान है, वो सफाई को लेके हैं। पीछे RTI भी लगाई थी, उसके अंदर साफ बताया गया था कि 164 कर्मचारी MCD के तैनात हैं। पर आप देखेंगे कि नालियों के अंदर में डिसिल्टिंग नहीं हुई है। उस डिसिल्टिंग की वजह से जो सारा नालियों का पानी है वो रोड पे आ जाता है और वो हमारे घरों में घुसता है। इतना ख़राब हालात है। आज कोविड पूरी दुनिया में फैला हुआ है, पूरी दुनिया कोविड से त्रस्त है, पर हमारे प्रशासन, जो हमारे इधर लोकल MLA हैं, आम आदमी पार्टी की बबीना शौकीन, वो ऐसे गायब हैं जैसे ईद का चांद। कोई भी काम करके राजी नहीं है। कर्मचारियों को फ़ोन कीजिए, सीधा पैसे मांगते हैं वो।